अभी टाइम हो रहा है 10:10, तो हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हुंडू पे हम लोग पहुँचे थे करीब 7:30-8 बजे, और फिर उसके बाद यार क्या ख़तरनाक बारिश हुआ, मतलब क्या ही बताऊँ, तबाही वाला बारिश हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुआ। फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर रुके वो अंकल जी के घर पे और चाय वगैरह पिया, फिर उसके बाद निकले इधर आए। तो मंटू भैया को भूख लगा था तो वो अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं, और क्यों ना यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर ले, क्योंकि लाइट भी थोड़ा बहुत सही है। और साथ ही साथ गाइस तहे दिल से सॉरी, वहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रहा था, लाइट भी नहीं था, और मतलब थोड़ा सा टायर्ड भी था, तो इसी से थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद मैं भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, मैं टाइम गलत बोल दिया, क्योंकि फ़ोन है गाड़ी के अंदर और गाना बज रहा है और मैं साइड पे आया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपको 10 डॉलर होप करता हूँ मेरी तरफ बहुत सीधे अच्छे होंगे। बस इस ट्रिप पे मैं कहीं गया नहीं, बस अंकल जी को छोड़ने के लिए आया था उनके घर मंटू भैया के साथ। बहुत दिन से घर पे बैठा था, अच्छा नहीं लग रहा था, जस्ट रिलैक्सेशन के लिए, और थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा बाहर का व्लॉग बनाऊँ गोप्रो से, उस दिन से मैं आया हूँ। तो गाइस मंटू भैया को देखो खाना खा रहे गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा तो आप इंजॉय करो, मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। और तो आने वाले जितने भी वीडियो से बहुत सारे ट्रेवल्स होने वाले हैं, तो उसमें धुआंधार मज़ेदार तवाई वाला ब्लॉग आने वाला है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जितने भी ब्लॉग्स हैं बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बढ़िया होने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:15, और हम लोग अभी दुमका से 80 किलोमीटर पीछे हैं। तो चाय पीने के लिए रुके हैं, मंटू भैया पुकार रहे हैं, आप देख सकते हैं वो रहा उधर सामने। तो चाय पीने के लिए रुके हैं, अभी अभी थोड़ा बहुत चाय पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, क्योंकि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मतलब नींद सही से हुआ नहीं। और मैं बैठा हूँ, रास्ता देख रहा हूँ GPS लगा के, ताकि गुम ना हो जाऊँ और सही रास्ते से जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी चाय पीते हैं गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। अभी टाइम हो रहा है 7:19, और अभी हम लोग हैं फारक्का पे। तो अपने घर से फारक्का है 130 किलोमीटर, और रोड साइड हूँ हमेशा की तरह, तो उसी दिन से थोड़ा बहुत शोर शराबा आएगा साइड स्वीट से, और मतलब चेहरे का जो हालत है और पैरों का जो हालत है आप देख सकते हैं। मैं बस एक शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ क्योंकि इतना गर्मी था, और गला भी बैठ गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि कल आते आते ठंड लग गया था, बारिश हो रहा था, और मतलब क्या ही बताऊँ, ठंडा पानी भी पी लिया था, उसे इनसे गला बैठ गया है, गला दर्द भी कर रहा है, तो ज़ोर से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और मतलब अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिन बाद ऐसे मंटू भैया के साथ मैं आया घूमने के लिए, क्योंकि मैं पहले आता था और अभी तो मौका नहीं मिलता है, और अभी आते भी बहुत कम है इतने दूर दूर, तो उस दिन से इस बार मौका मिला है तो क्यों ना निकला जाए। और नया GoPro है, नया कैमरा सेटअप है, सब कुछ नया है, तो चलो मज़े से ब्लॉग बनाते हैं और इन्जॉय करके आते हैं। तो हालांकि आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादा कहीं जगह घूमा नहीं, बस उन लोगों को छोड़ने के लिए गया था, बस छोड़ के मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। यही मतलब जो ट्रैवल हो रहा है यही अच्छा लग रहा है, नए नए जगह फिर से देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो उस ब्लॉग में थोड़ा बहुत अलग कुछ देखने को भी मिलेगा आप लोगों को,
उसी दिन से मैं इस ट्रिप पे आया हूँ मंडू भैया के साथ, और ब्लॉग भी मैं शूट कर रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा ब्लॉग बनाए नहीं क्योंकि रात को क्या ब्लॉग बनाऊँगा यार, और इतना नींद आ रहे थे और टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी तो मतलब एक घंटा डेढ़ घंटा सो के मैं अभी थोड़ा बहुत सही हूँ, अभी उठ के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। नहीं तो मतलब अगर वो नहीं सोता तो वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं होता। तो ठीक है गाइस, चाय पीते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने चाय कहाँ पर रखा है, ये चाय है। चाय पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो हे गाइस, करीब मैं 8-9 दिन बाद अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रांची से आने के एक दिन बाद, मतलब जिस दिन आया उस दिन रहा, फिर अगले दिन मैं निकल गया हैदराबाद के लिए अभिजीत के साथ। और साथ ही साथ गाइस, मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला कि इस वीडियो को मैं अच्छी तरह बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस दिन से मैं 8-9 दिन बाद मैं सैटरडे को आया था हैदराबाद से, थोड़ा सा रेस्ट लिया यार, थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेना ज़रूरी था, और साथ ही साथ संडे को भी थोड़ा रेस्ट लिया। आज मंडे है, आज मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हैदराबाद वाला वीडियो आएगा। तो गाइस, मैंने सोचा कि रांची वाला जो वीडियो है वो एक अलग ट्रिप है, हैदराबाद वाला एक अलग ट्रिप है, तो इस दिन से मैंने ये दोनों वीडियो को सेपरेटली अलग किया है, और हैदराबाद वाला वीडियो नए से स्टार्ट किया और इस पार्ट को मैंने अलग रखा है ताकि दोनों ट्रिप एक अलग अलग सेपरेट रहे और मतलब आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि देखो, मैं रांची से आके फिर उसके बाद अगर हैदराबाद वाले वीडियो ब्लॉग पे मैं इसको इंक्लूड कर दूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इन दोनों पार्ट को अलग रखते हैं। और साथ ही साथ गाइस, और एक चीज़ गाइस, हैदराबाद में ज़्यादा कहीं मैं घूमने गया नहीं क्योंकि एक्चुअली मैं आंटी जी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया था, और साथ ही साथ कहीं नहीं मिला कि इधर उधर घूमने जाने का, बस बिरयानी खाने के लिए गए थे और बिरयानी खाया फिर आया। बहुत टेस्टी था यार, बहुत बढ़िया था। मैं तो बोलूँगा आप लोग जब भी जाओ हैदराबाद तब जाके एक बार ट्राई करो, हैदराबादी बिरयानी बहुत टेस्टी होते हैं। ताकि बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर बने, बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ बात करके। तो अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया और फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करके जो अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत बढ़िया लगा। बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो ला पाऊँ। और एक बार थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे साथ बने रहना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के आप लोगों से शेयर करूँगा। फिलहाल के मैं निकला हूँ, ये आप देख सकते हैं अपना बाइक हेलमेट और ये अपना मतलब कैमरा सेटअप वाला बैग, तो बिलास भाई के दुकान के बैग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैमरा लगाया है। तो हालांकि गाइस GoPro का एडाप्टर अभी तक मैंने लिया नहीं, और साथ ही साथ गाइस मोटो ब्लॉगिंग केस भी नहीं लिया है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कैसे कुछ एंगल ऑफ व्यू आता है, तो सारे कुछ टेस्ट करते हैं, और जब यू सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उस टाइम प्रॉपर मोटो ब्लॉग करेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, और उसके बाद से प्रॉपर मोटो ब्लॉग चालू होगा। चलो चलते हैं और इन्जॉय करो GoPro के शॉर्ट्स। गाइस, मैं आप लोगों के साथ कल विश्वकर्मा पूजा के पंडाल शेयर नहीं कर पाया, आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि कल विसर्जन के दिन थे, उसी से ज्यादातर मूर्तियां नदी के साइड विसर्जन के लिए लेके गए थे, तो उसी से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं पाया। और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं रोड साइड हूँ, और साथ ही साथ गाइस पंडाल भी खोलने लगे थे कल विश्वकर्मा पूजा के, तो उसी से मैं जस्ट आप लोग को एक ही पंडाल दिखा पाया क्योंकि टैक्सी में पर वहाँ पर भी पूजा होता है, उसी से वो पंडाल थे और वहाँ पर मूर्ति थी विश्वकर्मा
भगवान के, तो वही जस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो तहे दिल से सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि हमारे इधर कितने अच्छी तरह पूजा होता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्लॉग बनाकर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरा GoPro का जो मोटो ब्लॉगिंग एंगल है उससे जो मैंने छोटा मोटा वीडियो शूट किया है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कॉमेंट करके बताना गाइस, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सच गाइस इस वीडियो पे मैंने ज्यादा आप लोगों को कुछ दिखाया भी नहीं, कहा कुछ घूमने भी गया नहीं, बस मतलब गाड़ी पे बैठ के वीडियो बनाया और फिर इधर आके वीडियो बनाया। तो फिर भी किसी रीजन से अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उसके पास जो बेल बटन है उससे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। फिर से थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, बस ऐसे मेरे साथ बने रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।